पीड़िता के परिवार को 10 लाख की मदद देने की घोषणा की। हाथरस में 2 हफ्ते पहले रेप और शोषण का शिकार बनी इस 20 साल की पीड़िता ने दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को दम तोड़ दिया है। पीड़िता की मौत की जानकारी मिलते ही हाथरस में पुलिस प्रशासन और सतर्क हो गया है। पीड़िता को गंभीर चोटें लगी थी और उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था। कथित रूप से उसके गांव में लगभग 2 हफ्ते पहले 4-5 लोगों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया था और प्रताड़नाएं दी थी। पीड़िता की हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे और उसकी जीभ भी काट दी गई थी। लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC ST में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,37,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपये की हो गई। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। सर, से मामला ये भी आया था कि पीड़िता के बाबा ने 2001 में भी जो अब नामजद 4 आरोपी हैं उनके 2 लोगों के खिलाफ पहले भी मारपीट का मामला दर्ज कराया था, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी रंजिश पुरानी थी, पहले भी था मामला कुछ? देखिए, जब तक ऐसा मैं रिकॉर्ड नहीं देख लेता तो इस बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊँगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा जो जीभ काटने वाली बात है। जैसे पीड़िता का जो गला दबाया गया और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है। केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी और इसी कारण से उसमें जो CEO थे और जो महिला कॉन्स्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान दिया।